लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। रामानंद सागर के फेमस सीरियल श्री कृष्णा में भगवान कृष्ण का रोल प्ले करने वाले सर्वदमन डी बनर्जी लंबे समय से एक्टिंग वर्ल्ड से गायब हैं। उन्हें लंबे टाइम से किसी टीवी शो में भी नहीं देखा गया है। गुमनाम जिंदगी जी रहे सर्वदमन फिलहाल छोटे छोटे बच्चों की मदद में जुटे हुए हैं। दरअसल ग्लैमर वर्ल्ड से दूर सर्वदमन बच्चों को मेडिटेशन सिखाने का काम कर रहे हैं। सर्वदमन इन दिनों नदियों पहाड़ों के बीच ऋषिकेश में रहते हैं। यहाँ वे मेडिटेशन सेंटर चला रहे, साथ ही उनका एक एनजीओ भी है। सर्वदमन के एनजीओ का नाम पंख है। इसके जरिए वे दोस्त और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं, साथ ही करीब 50 महिलाओं को जीवन यापन की ट्रेनिंग भी देते हैं। श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आने के बाद लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी पूजने लगे थे। कई बार तो सर्वदमन को अपने फैंस या यूं कहें कि भक्तों से बचकर निकलना पड़ता था। यूं तो कई एक्टर्स ने कई टीवी शो में श्री कृष्ण की भूमिका निभाई है, लेकिन सर्वदमन जैसी पॉपुलैरिटी किसी को नहीं मिली। सर्वदमन ने 1983 में आई फिल्म आदि शंकराचार्य में भी मुख्य भूमिका अदा की थी। इस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था। उत्तर प्रदेश में जन्मे सर्वदमन ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने कई हिंदी, संस्कृत और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है।